विवाद, अक्सर मैं बोलती हूँ विवाद और कुनबावासी चोली दामन का साथ। गिफ्ट भी बन चुके हैं विवाद, और उधर हमारी छोटकन्नी जिज्जी को किसी ने बनरिया बोल दिया। हाय दैयर दैया, क्या कर रहे हो भैया, हैं हमार जिज्जी एकदम आग बबूला हो जाएगी। और ऐसा नहीं है, वो भगवान जी से उसका बढ़िया कनेक्शन है, तो भाई साहब भगवान जी को आदेश देगी। जैसे लोगों को मुंह फुलाने का, उसका फुलका फुलाने का, भगवान जी ने परेतिन के कहने पर उसका फुलका फुलाया, लोगों के मुंह फुलवाया, वैसे कह देगी कि भगवान जी जिनने मुझे बनरिया कहा है, जाए के भगवान जी का बानर जैसा मुंह बना दो, तो का होगा भैया है। क्योंकि भगवान जी का कनेक्शन हमारी दीदी से बहुत है, प्रगढ़ है, अच्छे टर्म्स में है हमारी जीजी और भगवान जी। ओ माय गॉड, खैर इन सब के नौटंकी ड्रामे हो रही है। लेकिन अभी जो बात होने जा रही है, वो बात होने जा रही है गिफ्ट की। दोस्तों, गिफ्ट एक बार फिर से चर्चा में आ गए। असल में हुआ का है वो हम बताते हैं। गिफ्ट इसलिए बात की गई गिफ्ट की, क्योंकि भाई उस टाइम पे हमारे जो बात हो रही थी, वार्तालाप हो रही थी आपसे, तो भाई बग्गी को लेकर ना बहुत ज़्यादा लोग विवाद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई बग्गी को अपनी ननद के लिए प्लान करना चाहिए था, बढ़िया से बर्थडे प्लान करना चाहिए था, सरप्राइज देना था, कौन सा ननद यहाँ पे पड़ी रहती है, बग्गी ने काहे नहीं किया। अरे भैया, जैसा कि एक सेकंड में चेक ही कर लेती हूँ, मैं तो यही कह रही हूँ कि बग्गी का वैसे तो अभी तक वीडियो मैंने जो देखा था नहीं आया था। और अगर मान लो ये रहा लास्ट वीडियो जो उसका है, वही मायके वालों वाला ही है कि कितना भी दे दें लेकिन ससुराल वाले खुश नहीं होते, तो जो वीडियो आएगा तो मैं भी बग्गा बग्गी ने कुछ किया हो। और अगर कई बार करते भी हैं तो ये नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, जो दिखाना होता हम वही दिखाते हैं, जो नहीं दिखाना होता नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए भी झूठी अंका ने कह दिया होगा कि तुम लोग नहीं दिखाओगे, क्योंकि आप सबको पता है झूठी अंका चाह रही है कि विवाद बने, झूठी अंका चाह रही है कि लोग एक दूसरे के बारे में लांछन लगाएं, हमारा कंटेंट आगे बढ़े। तो मैं भी इसलिए, अदरवाइज बग्गी ने कुछ प्लान ना किया हो ऐसा हो नहीं सकता, और कुछ ना कुछ गिफ्ट भी दिया होगा। हम तो कह रहे हैं कि भाई साहब थोड़ा तुम लोग ये भी सोचो कि जो दो नंदे हैं, ये कुछ गिफ्ट उफ्ट अपनी भाभी को कभी दे सकती हैं कि नहीं दे सकती हैं। बर्थडे तो उसका उधर ही निकल गया, कबो एक बॉटल पकड़ा देती है, कबो एक लोअर दे देती है, ये कौन बर्थडे गिफ्ट है, एक लौती स्पेशल भाभी हैं। और सुंदर सोनी मोनी, आधे लोग तो गाँव के हेमा मालिनी बोले हैं, इनका सबका का बोले हैं। पता नहीं जी, वो कहा है कि बचपन में तो हमारी बड़ी जीजी को सब लोग बोलते थे अंग्रेजन, अब बड़ी हो गई है तो कहा बोलते हैं पता नहीं, दीदी ने बताया नहीं कि इस समय हमारी दीदी को जो ब्यूटी खिताब मिला है, ब्यूटी वाला नाम मिला है, कहा कहते हैं, परेतन को कहा कहते हैं वो भी नहीं पता जी। हाँ, बहुरिया को तमाम लोग तारीफ करते हैं मम्मी जी से कि आए हाय तुम्हारी बहुरिया इतनी सोनी सोनी है, ढिल्ले जैसी आंखी है, रंग एकदम चमकीला है, तो मम्मी जी को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं। लेकिन इन दोनों बहनों का जी हमें पता नहीं। तो चलिए जी, सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। आप सारे लोग बहुरिये से उम्मीद करते हो, करवा चौथ बहुरिया का गया है, दोनों की दोनों हियाँ थी। भाभी के करवा चौथ को स्पेशल बनाने के, पहला करवा चौथ को स्पेशल बनाने के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा इनपुट डाला मम्मी जी ने, जिनको अफकोर्स मम्मी जी का इकलौता बेटा हो, मम्मी जी को अपने बेटे से बहुत लगाव है। और करवा चौथ का व्रत ऐसा वैसा व्रत नहीं है, है? पति की दीर्घायु के लिए था, तो क्या मम्मी जी सुहाग का सामान नहीं दे सकती थी? वैसे तो ये सब टुंटना उठा के जब देखो स्मार्ट बाजार में नाचती आती है, बाकी चीजों के लिए भी चली जाती है मुंह उठा के, पर अपनी सगी भाभी को और मम्मी जी अपनी सगी बहुरिया को अपने बेटे के लिए आपने सुहाग नहीं दिया। बाकी के जो रिचुअल्स करने थे वो आपने नहीं किया, वहां से टोकरे भर भर के आ रहे हैं, बग्गा झोला तक नहीं उठा पा रहा इतना भारी। तो भाई वहां पर ये टरू वाले फरिश्ते नाच पीटे, डबल ढोलकी बिन पेंदे के लोटे, उधर काहे नहीं बात करते हैं कि इनको भी अपनी भाभी के लिए करना चाहिए, मम्मी जी को भी अपनी बहुरिया के लिए करना चाहिए। अब अंकुश का मैं वीडियो देख रही थी, उस वीडियो में तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें करी, क्योंकि फरिश्ते कुछ ऐसी वैसी बातें बोल रहे थे। तो भैया जब सवाल उठता है कि दादी बहुत कंजूस है, एक छोटा सा डोलू लाई है, मतलब डोलची,
जो कि बहुत ही क्यूट था, बहुत ही प्यारा था, देख के दिल आए हुआ। और तो लोगों के जो मुंह है ना, उनका यही होता है गिफ्ट है इतना छोटा सा। तो किसी ने लिखा है कि हाँ भाई, नानी ने तो नासिर को एक प्लॉट लिखवा दिया है। बहुत बढ़िया आप लिख लेते हो, इसको कहते हैं कॉमन सेंस। भाई आप बहुत बढ़िया बोले, आप ह्यूमर आपका बहुत ही अच्छा है। जी हाँ, नानी ने कहा दिया है कहा नहीं दिया, पर ये दूसरों से हमेशा उम्मीद रखते हैं, अपना ना हमेशा लेना जानते हैं। क्या लेना जानते हैं? वो देना का होता है जी, देना ये शब्द कभी ना सीखे हैं, ना स्कूल में पढ़ाया गया, और ना ही इनकी मतलबी वाली डिक्शनरी में ये शब्द कहीं पर उपलब्ध है। लेना लेना लेना, यहाँ से लेना, वहाँ से लेना, इससे लेना, उससे लेना, सब्सक्राइबर से लेना, बग्गी की मायके से लेना, बग्गी की अम्मा से लेना है, उसके बाद बुराइयाँ भी। अब छोटी ने देखो कुकर का क्या हाल किया है, बग्गी की माँ ने गिफ्ट किया था और वैसे भर भर के चीज़ें आई हैं। अम्मा तो सूट वूट ले भी ली हैं, बग्गी अपना ऊपर खुपड़िया पर रखा है और सूट वाला वो पॉलीथीन पकड़ के गई थी ना, तो समझ जाइए कि ऊपर तो सामान पहुँच गवा है और जिसको लेना देना था वो ले दे भी ली ने। ऐसे हैं ये कुनबा वासी। सास के ऊपर हरदम इल्ज़ाम लगता है, कागजी सास के ऊपर, कि अपनी बहुरिया को कुछ देवें नहीं करी हैं। लोगों ने भी भर भर के जवाब दिए हैं कि मम्मी जो तो गवर्नमेंट जॉब में थी है ना, और दोनों जो बेटियां हैं बड़का बड़का यूट्यूबर हैं। अरे अपने जो गांव में वो छोड़ दो, शहर में छोड़ दो, स्टेट में छोड़ दो, इंडिया में भी छोड़ दो, सौरभ जोशी, गौरव तनेजा, बाकी के जो बड़का बड़का है, फ्लाइंग बेस्ट, मतलब जो भी संभावना से, ये सब एकदम तुच्छे मुच्छे एकदम छोटे छोटे यूट्यूबर हैं। लखनी तो वगैरह बेचारे तो कहीं इनके आगे पीछे इतना नहीं है। ये महारानी लोग इतना बड़ी मतलब यूट्यूबर हैं है ना, तो इतनी बड़ी बड़ी यूट्यूबर होने के बाद अपनी भाभी को आज तक नहीं बताएं कि का दी हैं। गोल्ड बनता था ना जी, जो महीने का लाखों कमाता हो वो भी अगर सिर्फ टी शर्ट पजामे में और लोअर में निपटाए दे भाभी को, तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि किस प्रकार की सोच है। तो सिर्फ और सिर्फ हमेशा अंकुश की मम्मी से ही क्यों उम्मीद की जाती है कुनबा वासियों, कभी सिट की नानी को भी कुछ करना चाहिए है ना। और बहुरिया के लिए मुझे तो सबसे ज़्यादा ये लगता है कि भाई बहुरिया के लिए का किया गया है। वैसे दर्शकों एक चीज़ आपने नोटिस करी है कि नहीं, बग्गी ने वो मंगलसूत्र पहना या उतार दिया, और टी शर्ट यहाँ तक है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो ज़रूर बताइएगा कि बग्गी ने भैया वो मंगलसूत्र पहना। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया मम्मी जी ने, सासू अम्मा ने बग्गे की दिया है, क्योंकि वो अपनी बेटी को ऐसे दुखी नहीं देख सकती थी और उसने मुंह खोल के कई कई बार बोला था, तो जान रहे थे कि दामाद तो एकदम लिच्चड़ किच्चड़ है, वो कंजूसी का चरम सीमा पार करे है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब इस बातों में कितनी सच्चाई, लोग कह रहे हैं कि बग्गा अगर 50-60 हज़ार की चीज़ खरीदे और उसका वीडियो ना बनावा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो भाई अब का ही बताएं, हमें तो कुछ पता नहीं। बग्गा ने सफाई दे दी थी कि हमने वो चुराए छुपाए लिया था सरप्राइज के लिए, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, नहीं तो उसको पता चल जाता। तो बग्गा वो वाला वीडियो क्लिप तुम कट करके रख लेते जिस दिन करवा चौथ दिए हो, क्योंकि लखनीत गए थे नीतू के लिए शॉपिंग करने अपनी मम्मी के साथ, तो गए थे 2-3 दिन पहले, उस दिन वाले वीडियो में थोड़ी दिखाया जिस दिन देना था करवा चौथ वाला गिफ्ट, फोन लिया था और मंगलसूत्र है ना, तो वो उस दिन दिखाया था। तो बग्गी तुम भी ऐसे कर सकते थे, हैं चालाकियाँ ना बग्गी किसी और को दिखाना, ये सब चालाकियों से ना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है और तुम्हारी सच्चाइयाँ तो सच्चाइयाँ ही रहेंगी। तो जनता का ज़्यादातर प्रतिशत यही मानता है कि बग्गी छोटी चीज़ पर एकदम पगलाए जाती थी, समोसा और मोमो खाई के, मंगलसूत्र जैसी चीज़ पर उसने रिएक्ट नहीं किया। ये चीज ना लोगों को हजम नहीं हो रही, हाजमोला, सतमोला, पचमोला, हिंगोली सब ट्राई कर लिया लेकिन हजम नहीं हो रही। तो जी देखिए, असली में सच्चाई कहाँ है इस गिफ्ट की, बग्गा बग्गी जाने या फिर भाई बाकी के मम्मी पापा जाने। बग्गा ने ये भी कह दिया होगा कि देखिए मम्मी अभी हमारे बहुत सारे खर्चे हैं और हम इतना ही कमाते हैं तो सोच समझ के देना होगा। हालांकि ड्रामा भी किया होगा कि नहीं मम्मी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे बाकी का सामान भी एक्सेप्ट ना करने का बोला जाता है लेकिन फिर भी वो घर आता है ना गिफ्ट।
तो जी लोग तो अब याद दिलाते हैं झूठी अंका को कि झूठी अंका देख कितना गिफ्ट आता है। यही छोटी मोटे रस्में रिचुअल सिट के उसके लिए गए थे ना, जब सिट का जन्म हुआ था तब भाई कैसे तुमने छीछा लेदर मचाई थी मेरे भाई को, ओवर टाइम और फलाना ढिमकाना बहुत कुछ। खैर दोस्तों, अंकुश का वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने अंकुश को भी कुछ चीज़ें दी, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे और पैसे थे। पैसा अंकुश वापस करा था पर शायद मम्मी जी ने लिया नहीं, तो अंकुश ने वो पैसे और जो सिट के पैसे थे सिट के गुल्लक में डाल दिए। वो वाला सीन थोड़ा सा वो लगा कि भाई अभी भी ये है कि जब कभी भी आएगा तब वो ये गुल्लक फोड़ेगा। गुल्लक अच्छा खासा है, सिलेंडर स्टाइल का। तो उम्मीद करते हैं कि जब सिट कभी आए उसमें ढेर सारा पैसा मिले। कभी ना कभी तो कोर्ट कचहरी शायद अपने पापा के साथ भी उसको टाइम स्पेंड करने के लिए बोलेगा। कब तक लोग दीवारें उठा सकेंगे, कब तक लोग षड्यंत्र कर सकेंगे, कब तक ये लोग ऐसे ही शायद कोई हियरिंग का डेट भी थे 24 थी ना, 24/11 या 25/11 थी नेक्स्ट डेट। तो अब समझ जाइए है ना, आने वाले टाइम में कभी ना कभी तो बच्चा अपने दादी को और पापा के साथ होगा, इस घर में भी होगा। हालांकि वो चीज़ सोच के ही हमारी जिज्जी जल जाती होगी, इतनी तो बड़ी जल कुकड़ी है। वैसे जल कुकड़ी से याद आया, किसी ने एक कॉमेंट किया है, उस कॉमेंट को थोड़ा सा मुझे पढ़ना है। अंकुश भाई, आप अनवित को खिला रहे हो तो बंदरिया को जलन के अटैक पड़ रहे होंगे, रात के लाइव में फरिश्तों की चीखें निकलेंगी। तो भाई साहब, मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई साहब अब ना देखो, फरिश्ते तो ऐसे ही होते हैं हाँ, पर आप बानर उनको ना ही बोलिए। हमारी जिज्जी इतनी खूबसूरत है, वो कल लाल लाल वो पहन के आई थी, लाल या ऑरेंज कलर का सूट, प्रिटी वूमन है ना, तब लोग कह रहे थे वाओ कितनी सुंदर लग रही हो। तो ऐसा कुछ नाम ना रखिए, जाने दीजिए, फरिश्ते फरिश्तों जैसे हैं, उनकी आदतें उनकी हैबिटें, हमको उनके जैसे नहीं बनना है। जैसे वो बोलते हैं ना अंकुश को भंग को सब न जाने क्या क्या नाम। हालांकि यहाँ पर कुछ फरिश्ते आए थे तो बोलने लगे, लड़की हो के तुम एक लड़की को ऐसे कैसे बोल सकते हो। अरे नास पीटो कभी उन गाली गलौज वालों को भी जाया करो, बोला करो कि भाई कैसे तुम एक लड़की हो के दूसरी लड़की को, एक बुजुर्ग महिला को ऐसे गंदा गंदा बोलते हो, अंकुश की माँ को, अंकुश की बहन भी तो लड़की है। तनिक उधर, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इधर के लोग गलत कहें या उधर के लोग गलत कहें, अगर उधर के लोग गलत कह रहे हैं तो इधर के भी लोग गलत करें, वो सही नहीं है। मैं उस चीज़ का कभी भी वो नहीं कर रही हूँ कि नहीं ये लोग भी गलत बोल सकते हैं, नहीं जी। वो आप ही लोगों पे शोभा देता है, आपके संस्कार है ना, ऐसे संस्कार हर किसी में नहीं पाए जाते हैं। तो भाई साहब, लोगों ने मजे ले लिए और फरिश्ते आ गए स्टैंड लेने। फरिश्ते तुम सही जगह पे कभी स्टैंड नहीं लेते हो। जिस दिन हर औरत को औरत समझोगे उस दिन हम आपसे बात करेंगे। बस एक औरत को औरत और दूसरी औरत को आप क्या समझते हो। हमने कभी दीदी को ऐसे शब्द नहीं बोले जैसे फरिश्ते लोग बोलते हैं, ठीक है। नकचढ़ी इसलिए नाम रखा है क्योंकि दीदी के हमारे गुस्सा नाके पे रहता है, कभी भी एकदम से आग बबूला हो जाती हैं, और शातिर तो हाई है तो इसलिए शातिर भी बोल देते हैं, नकचढ़ी, जलनखोर, जलन तो आपने देखी ही है। तो ऐसे शब्द मैं बोलती हूँ जो उनकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाते हैं, और कहीं ना कहीं उनके पास वो शब्द वो चीज़ें हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें कैरी कर रखी अपनी पर्सनैलिटी के साथ। तो देखिए ऐसे शब्द बोल दिया करिए है ना। अगर आपको अंकुश झूठा लगता है झूठ बोल दीजिए, झूठा इंसान कुछ भी बोल दीजिए, पर ऐसे जानवरों के नाम, ऐसे घटिया शब्द कैसे आप यूज कर लेते हैं। आई नो कि आपके जैसे लोग ही हमारी सोसाइटी को जाने जाते हैं, सोसाइटी में ये लोगों को मानने पे मजबूर कर देते हैं कि डुअल स्टैंडर्ड वाले लोग तो यही हैं भैया, डुअल वाले। बाकी देखते हैं, उम्मीद यही करते हैं कि आज नहीं तो कल वो जो क्या बोलेंगे उसको, वो पल कब आएगा और कितना टाइम है इसमें तो हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पर कहते हैं सत्य पराजित हो सकता है, परास्त नहीं, टाइम लगेगा। हाँ, वो एक जो कहानी चल रही है आजकल गौरव और हेमा की कहानी, वो वायरल भाभी, तो वायरल भाभी जब निकल के आई हैं तो उन्होंने अपनी साइड भी बताई है
कि गौरव मेरे बड़े बेटे को, क्योंकि ये हेमा जी की दूसरी शादी थी, उनका कहना था कि मेरे बेटे के साथ बहुत टॉर्चर करता था वो आदमी जो है मेरे बड़े बेटे को बोलता था कि ये अपशगुनी है, मेरे बच्चे के ऊपर इसका साया न पड़े। जब मैं अपने बच्चे को जन्म दे रही थी तो ये आदमी ने कहा कि ना इसको हॉस्पिटल में और खासकर उस रूम में नहीं जा। अब ये हेमा जी का वर्जन तो बहुत ही भयानक है, हैं? वैसे हेमा जी एक बार सलमान खान के ऊपर भी इल्जाम लगा चुकी हैं कि सलमान खान से मैं मिलने गई थी, सलमान खान के वहां पर वो सेट पे मौजूद थे लेकिन नहीं मिले, वहां के लोगों ने मुझे कुत्तों की तरह बर्ताव किया, मुझे धकेल दिया, मुझे कहा चल निकल जा और मेरे मुंह पे थूका न जाने क्या क्या। बाद में पता चला कि वो कंट्रोवर्सी सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए करवाई गई थी। और हेमा जी को ये बहुत पता है कि कैसे ट्रेंडिंग में आ सकते हैं, कौन कौन से काम करके, कौन कौन सा कैसा थंबनेल लगा के ट्रेंडिंग में आ सकते हैं। तो हेमा जी ने अपना वर्जन सुनाया है, इतने दिनों में 12 दिन के बाद शायद वो बाहर आ गई हैं बिग बॉस के। और बाकी के जो गौरव जी की बातें थी, उन्होंने खूब सारे इंटरव्यू दिए हैं जगह जगह पे, तो उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन हेमा एकदम आग बबूला हो गई, कहीं होता कौन है ये आदमी, तेरे बाप की औकात है, कभी तूने इस क्लास में बैठा, उस क्लास में बैठा, बिजनेस क्लास में बैठा बीवी के दम पे, अरे एहसान तूने क्या किया, मैंने किया। मतलब हेमा जी एकदम आग बबूला हो गई, वही वायरल भाभी मेरे हस्बैंड हमको प्यार नहीं करते, ये वाला गाना से जो वायरल हुई थी। आई नो ये गाना गुत्थी ने वायरल कराया था, पर भाई अब गौरव और इनकी जो कहानी है, गौरव अपने बच्चे से मिलना चाहते हैं अंकुश की तरह, लेकिन हेमा जी बिल्कुल नया नया परफॉर्मेंस लेके आ जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे तरीके से हेमा जी गलत हैं या पूरे तरीके से वो गलत हैं, पर देखिए परसेंटेज पता चल जाएगा जब 2-4 वीडियो आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कितना किसका प्रतिशत योगदान है एक्टिंग में, कौन कितनी ज़्यादा एक्टिंग करता है। आपने अगर बिग बॉस देखा होगा तो भाई वायरल भाभी को देखा होगा, हेमा शर्मा जी हैं वो गई थी जो कि अब बाहर निकल चुकी हैं, उनका कहना मैं इतना अच्छा तो खेल रही थी पर मेरा मन खिन्न हो गया, मुझे क्यों निकाला गया, मुझे अभी वहाँ रहना चाहिए था। बहन ये बिग बॉस है, कटारिया भी तो इतना अच्छा खेल रहा था, बिग बॉस जिसको नहीं चाहते हैं दफा कर देते हैं। ऊपर से तुमने सलमान खान के ऊपर कौन से लांछन लगाए थे लाइमलाइट में आने के लिए, तो भाई कहा सलमान खान तक कौन योजना पहुंची होगी, हैं? थोड़ा सा आप ही के पास बुद्धि विवेक नहीं है माँ जी, बाकियों के पास भी है, और जिसको निकालना होता है टाटा बाय बाय कराना होता है, बिग बॉस उसको कभी बख्शते नहीं है, उसको टाटा बाय बाय करा ही देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स रियलिटी शो नाम है बिग बॉस का, लेकिन भाई आपको पता है उसमें कितना रियल होता है, कितना स्क्रिप्ट होता है। बिग बॉस अपनी स्क्रिप्ट पे अपने जो भाई जितने भी लोग होते हैं सदस्य होते हैं उनको नचाते रहते हैं, और जिसको लग जाता है कि काम करने उसको टाटा बाय बाय कर देते हैं। हालांकि हेमा शर्मा ने बिग बॉस के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि बिग बॉस ना मेरी बहुत सारे क्लिप दिखाए नहीं, मैं बहुत अच्छा अंदर खेल रही थी और इतना अच्छे परफॉर्मेंस दे रही थी लेकिन वो सारा वीडियो दिखाए नहीं, तो का फ़ायदा अगर एक हफ्ता में एक्स्ट्रा भी रह लेती, जब हमारे वीडियो ही नहीं दिखाया जाएगा तो कोनो फ़ायदा है जी, हैं? वैसे हेमा जी आप तो बाहर भी अच्छा ही खेल रही हैं। तो देखते हैं जी अब गौरव का वर्जन क्या आता है, क्योंकि गौरव ने अपनी बात तो बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, है ना, और कब वो मिल पाते हैं कब नहीं मिल पाते हैं। और हेमा जी ने एक मुँह तोड़ जवाब दिया है गौरव जी को, अब इन दोनों की जब बातें फिर से सामने होंगे, कौन कितने प्रतिशत सही बोल रहा है, कौन कितने प्रतिशत झूठ बोल रहा है, अब पता चलेगा। हेमा ने एक और जघन्य अपराध का इल्ज़ाम लगाया है गौरव पे कि वो जो है ना मुझे मारते थे, मेरे ऊपर हाथ उठाते थे, अत्याचार करते थे मुझ पे। कहीं वैसा वाला अत्याचार तो नहीं जैसे डीबी वाला अंकुश के ऊपर लगा है, या रियल भी हो सकता है। अब ये तो हेमा और गौरव ही जानते हैं कि कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कितना सच, क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, यहाँ पर सब अपना वर्जन सही बताते हैं, दूसरे को गलत बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब ज़्यादा देखो तो पता चल जाता है कि कौन कितना सही कौन कितना गलत। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नयका वीडियो में। तो बग्घी का जीना हराम ना ही करिए, बड़कन्नी छुटकन्नी बस इतना ही कहना चाहेंगे, और थोड़ा सा ना आप अपने लिए भी कुछ सोचिए
कि भाई आप दूसरों से हमेशा उम्मीद करते रहेंगे, दूसरों को भी तो कुछ सरप्राइज फील कराना होता है, दूसरों को भी तो स्पेशल फील कराना होता है, या सिर्फ खुद से ही ना पसंद होना जिजा ने बड़ी जिजी को क्या गिफ्ट दिया। और हाँ, क्या हमारी बग्गी ने वो मंगलसूत्र पहना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।